द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज से बड़ी खबर इस समय प्रकाश में आ रही है। जनपद महाराजगंज के जिला अधिकारी अमरनाथ उपाध्याय को किया गया निलंबित। उनके साथ तत्कालीन उप जिलाधिकारी निचलौल देवेंद्र कुमार एवं वर्तमान उप जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा तथा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी निचलौल डॉक्टर वी के मौर्य व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज डॉक्टर राजीव उपाध्याय को किया गया निलंबित। बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय सहित कई अधिकारी और कर्मचारी को किया गया निलंबित। और जनपद महाराजगंज के नए डीएम के रूप में डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी को भेजा गया है। जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे डॉक्टर उज्ज्वल कुमार। मिल रही जानकारी के अनुसार पता चला है कि मधवलिया गौ सदन में हुई बड़ी अनियमितताओं को देखते हुए महाराजगंज जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। हम आपको बता दें कि अभी सूचना मिल रहा है कि सिसवां विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेम सागर पटेल द्वारा 2/10/2019 को एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें अनियमितताओं को देखते हुए सरकार से गुहार लगाया गया था कि दोषियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। शायद यह भी हो सकता है कि सरकार उनके ज्ञापन को संज्ञान में लेकर यह बड़ा कदम। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।